दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्री मनी पे वीडियो बनाया था, बैच फ्लावर की एक दवा है। आज बैच फ्लावर की एक दूसरी दवा एस्पेन के बारे में बात करते हैं। एस्पेन मोस्टली डर, बेचैनी या घबराहट के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके डर की एक खास बात यह है कि इसे फियर, अननोन फियर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई पेशेंट है, उसे जानवर का डर है, किसी को अंधेरे का डर है, किसी को एक्सीडेंट का डर है, किसी को भीड़ भाड़ में जाने का डर है, ओके, किसी को फोटो यानी लाइट का डर है। ये डर को स्पेसिफिक नाम हम देते हैं, हमें पता रहता है कि किस चीज़ का डर है हमें, ओके। लेकिन एस्पेन का जो पेशेंट है उसे ये पता ही नहीं रहता कि किस चीज़ का डर है, पर डर है, बेचैनी है, घबराहट है, किस चीज़ का आई डोंट नो। जैसे होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं अननोन फियर के लिए, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, मेडोरिनम है, जलसीमियम है, इन्हें भी अननोन फियर रहता है। उसी तरीके से एस्पेन को भी अननोन फियर रहता है। अब हम ये मान लेते हैं कि एक पेशेंट को अननोन फियर है, तो उसकी अवस्था कैसे होगी, किसे बताएगा वो और क्या बताएगा? जब कभी हम किसी को कहते हैं कि यार मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो लोगों का पहला सवाल रहता है किस चीज का घबराहट है, कैसा डर लग रहा है। सो आंसर रहता है नहीं, देयर इज नो आंसर। सो ये पेशेंट का डर दिन में कभी भी हो सकता है, दिन हो रात हो, ओके, और ये अपनी तकलीफें बेचारा किसी को बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर बोलेगा तो वहां से क्वेश्चन जो आएगा उसका जवाब इसके पास नहीं होता। अपनी तकलीफों को अपने तक ही रखता है, ये जल्दी शेयर नहीं करता, किसी को नहीं बताता। ये कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको तकलीफ हुई तो वो इतना बोलते हैं कि सामने वाला टॉर्चर होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंकम का पेशेंट है, सोरिनम का है, कैल्केरिया का आपका है, ये बहुत बोलते हैं। अगर इन्हें कोई तकलीफ हो गई तो बोल बोल के आपके नाक में दम कर देंगे, लिटरली दे टॉर्चर द जो उनके साथ होता है। पर इसका विपरीत एस्पेन है, वो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, ये तो बात दूसरों की हो गई, लेकिन ये खुद भी इस डर को हटा नहीं सकता, क्योंकि इसे पता ही नहीं रहता किस चीज का डर है, और अंदर ही अंदर ये घूटते रहता है, सफोकेट होते रहता है, घुटन होती है इसे। इसीलिए एस्पेन के पेशेंट को कभी कभी बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, घुटन होती है, सफोकेटिव सेंसेशन फील करता है वो, ओके। नाउ डर के वक्त कुछ इसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने आना, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि डर की वजह से इस पेशेंट को नौशिया होने लगता है। इस तरीके से डर इस पे हावी रहता है। एक बात एस्पेन के पेशेंट में होती है कि इसे अगर पोलाइटली कंसोल किया जाए, बड़े प्यार से पूछा जाए, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है, और उस समय ये अपनी बातों को शेयर कर सकता है। यानी अगर आपको पता है कि ये पेशेंट एस्पेन का है, अगर आपने उससे थोड़ा रूडली बात किया या इसी कैजुअली बात किए, तो आप भूल जाओ कि आपसे शेयर करेगा। जब तक आप उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक वो आपसे कोई बातें अपनी शेयर नहीं करेगा, ओके। ये जब लोगों के बीच में रहता है
इसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, लोगों से बात करता है, कन्वर्सेशन करता है, तब ये कुछ हद तक अपने डर को भूला हुआ रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही ये अकेला होता है इसका डर बढ़ने लगता है। इसलिए ये हमेशा प्रेफर करता है कि लोग मेरे आसपास रहें, हमेशा मेरे आसपास रहें, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। सो कंपनी इसे अच्छा लगता है, वाई? टू अवॉइड द फियर। जैसे होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं जो कंपनी में रहने से उनका फियर कम होता है, फॉर एग्जांपल बेलाडोना, हायोसेमस, स्टमोनियम, कैल्केरिया का, लैक कैनिनम, आर्सेनिक, जलसीनियम, ये ऐसी दवाइयां हैं अगर इनको डर लगा और इनको आपने कंपनी दिया तो वो रिलैक्स महसूस करते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फियर इज एस्पेंस फियर। ऐसा कभी भी फियर अगर किसी पेशेंट को हो तो अक्सर वो पेशेंट एस्पेन से उसको बेनिफिट होती है या उसका फियर कम हो जाता है, घबराहट कम हो जाता है। बैच फ्लावर में और एक दवा है फियर के लिए, वो नोन फियर के लिए है, ठीक है, जैसे ये अननोन फियर के लिए है। इसे डर का कारण नहीं पता, बेचैनी का कारण नहीं पता, लेकिन वो नोन फियर के लिए है, दैट इज मिमुलस। वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में कभी आपसे बात करेंगे मिमुलस के बारे में, पर एज पर एज फियर ऑफ एस्पेन इज कंसर्न, दिस इज द ट्रू फियर ऑफ एस्पेन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को समझाने में मैं समर्थ रहा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।